अब तक आपने देखा घर पे चंद्रप्रभा और नंदिनी सार्थक को अपनी अगली चाल का निशाना बनाने की बात करती हैं। कॉलेज में अंजलि सार्थक को बताती है कि वो आदि से प्यार करती है। मैं आदि से बहुत प्यार करती हूँ। नंदिनी सार्थक से बात करके उसका राज जानने की कोशिश करती है। वहीं दादी आदि के फोन में अंजलि की तस्वीर देखती है। इसका मतलब हमारा शक सही निकला। वो लड़की अंजलि ही है जो सार्थक और आदि दोनों के मन में है। अब आगे मैं तो वही खड़ी थी, फिर जीजी ने मुझसे कहा चल भाग यहाँ से। माँ से एक बात पूछूं, आपको मम्मा की कोई भी बात बुरी नहीं लगती? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जीजी कभी गलत होती नहीं है, सही कहती है और सही रहती है। और माँ आप भी आओ ना बेटा, बैठो। भाभी बैठो आप। आप लोग ये माला क्यों बना रहे हैं? हम तो रोज ही बनाते कान्हा जी की पूजा के लिए। यू नो व्हाट भाभी, हम माँ से उनके बचपन की किस्से सुन रहे थे और पता है माँ ने क्या बताया कि वाणी मम्मा की वो सारी बातें सुनती थी, कोई भी बात नहीं टालती थी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आई एम श्योर वाणी मम्मा हमेशा अपने फैसले सुनाती होंगी बचपन से ही, और रानी माँ उनकी बातें मानती होंगी, तभी तो ये रोल आज तक नहीं टूटा। लाइए मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं। हाँ बेटा ये ले। नंदिनी जरा मेरे रूम में आना, एक केस डिस्कस करना है। जी अभी? हाँ कुछ जरूरी काम कर रही हो, जाना बेटा। जी नहीं, आती हूँ मम्मा। सॉरी मां, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, वो वानी मामा ने बुला लिया, मुझे जाना होगा, उनकी तो सुननी पड़ेगी ना, आखिरकार सगी सास तो वही है ना मेरी। सच में मम्मी की ऑर्डर देने की आदत कभी नहीं जाएगी। और तेरी बकवास करने की, भूल दे वहां से। क्यों इतना शोर मचा रखा है? सर हमें भी ट्रिप पे जाना है। शट अप, ये कोई तुम्हारी पिकनिक की ट्रिप नहीं है, पढ़ाई करने वाले बच्चे भाग ले रहे हो उसमें, लेकिन तुम तो पढ़ाई से भागते हो, तुम किस बात का शोर कर रहे हो? एनीवेज स्टूडेंट्स, इस इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में हमारी कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट जा रहे हैं, जैसे कि अंजलि और सार्थक। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से तैयारी करो, और कोई ना करने दे तो मुझसे आके कहो, उसे भी ट्रिप पर लेकर जाएंगे, लेकिन ग्राउंड में चक्कर कटवाने के लिए। अंजलि एक टीम में हो, देखना तुम दोनों ही जीतोगे, मेरा मन बोलता है, क्योंकि तुम दोनों साथ में जो हो। देखते हैं। कुछ बात है क्या सार्थक? सार्थक मैं जानती हूं कि तुम अपने दिल की बात किसी से नहीं कहते, इसलिए तुम्हारी भाभी और तुम्हारी वेलविशर होने के नाते मैं कह रही हूं कि अपने दिल की बात लोगों को जताया करो, उन्हें बताया करो। अब हर किसी में तो इतना टैलेंट नहीं होता ना कि वो दूसरे की खामोशी पढ़ सके और ये बता सके कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं और उनसे कितना प्यार करते हैं।
मैं तो सिर्फ जर्नल ही बोल रही थी. अब जरा आदि को ही देख लो. मतलब थोड़ा सा भी कुछ कर ले तो कितना उछलता है वो, और वो लोगों को दिखता है. मैं तो बोलती हूँ कि तुम में उससे कहीं ज्यादा टैलेंट है, लेकिन फिर भी तुम हमेशा बैक सीट पे होते हो, जो नहीं होना चाहिए. मतलब नकली और असली फर्क तो पता चलना चाहिए ना लोगों को. शायद भाभी सही कह रही हैं. लोगों को असली और नकली का फर्क दिखना चाहिए. अंजलि से सच्चा प्यार मैं करता हूं और आदि उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, जो उसे पता चलना ही चाहिए. अरे सार्थक, हो गई पैकिंग? क्या हुआ तू? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. इनफैक्ट इस कंपटीशन ने तो मुझे बहुत अच्छा मौका दे दिया है. अब मैं दुनिया को दिखा सकता हूँ कि हाँ कौन किस लायक है. ला मैं कर दूं? नहीं नहीं माँ, कर रहा हूं. ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ. हाँ हो गया, जाना आप. बिजली कहाँ जा रही है रेलगाड़ी की तरह? ये वाले आदि भैया के रूम में ना. समझ गई दीदी? समझ गई. आदि भैया के रूम में और कौन रहता है? सार्थक भैया. तो उसके भी कपड़े ले जाना मेरी माँ. जी दीदी. हर काम बोलना पड़ता है, बाकी मैं रख लूंगी. बिल्कुल नहीं, आप क्यों रखेंगी? अब मैं हूँ इस घर में तो आप बार बार ऊपर नीचे सीढ़ियाँ क्यों करेंगी? मैं रखाऊंगी, लाइए दीजिए. नहीं, तू ना मुझे बिगाड़ रही है. ऐसे ही चलता रहा तो मेरे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे. वही तो मैं चाहती हूँ. I mean, आप आराम करें. मेरा मतलब था कि मैं कुछ दिनों में ऑफिस जाना शुरू कर दूंगी, फिर मुझे कहाँ मौका मिलेगा आपकी सेवा करने का और ये सब कुछ करने का. तो लाइ मैं कर देती हूँ. नहीं बेटा, रहने दे, ये मैं कर लेती हूँ. अच्छा, वो मैं रख के आती हूँ. ठीक. तभी तो पूरे घर में घूम घूम के उस कमजोर ईंट का पता लगाती हूँ, जिसे हिला के पूरा घर गिरा सकूं. छोटे छोटे कपड़े, इंटरेस्टिंग. और कुछ भी मिलेगा? hmm.
शायद उनको मॉडल बनने का शौक है, लेकिन घर वालों से छुपके। पर अफसोस, ये बातें कहां छुपती हैं? अंजलि और मुझे डिबेट के लिए जाना है और अब तक हमारी कोई तैयारी नहीं हुई। आई थिंक मुझे उससे डिस्कस करना चाहिए। और इस बहाने मैं उसके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर पाऊंगा। मिता। हाँ? अंजलि कहाँ है? मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने उसे लाइब्रेरी में देखा था। मैं बुलाती हूँ। हाँ। नहीं सुनो, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मैं जाके उससे बात कर लूंगा। ओके। या एक्चुअली आई एम एक्साइटेड, पर थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि काफी सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सो आई गेस कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है, राइट? यू नो, अगर हम साथ हैं तो सब कुछ आसान होगा। आई मीन, अगर हम अच्छी तैयारी करेंगे तो हम जीत जाएंगे, मुश्किल नहीं होगी। क्या? मैंने काफी मैटर कलेक्ट किया है सुबह से, सो एक बार मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। प्लीज देखना, हैव अ लुक। सार्थक, सार्थक, सुन भी रहे हो तुम? हाँ। Anyway, so I was saying कि कंपनीज। हेलो, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। सार्थक, मीता का फोन है, मुझे जाना होगा यार। सुनो, बाकी सारी बातें हम कल रास्ते में कर लेंगे। तब तक तुम ये सारे पॉइंट्स एक बार रीड कर लेना, ठीक है? और नोट्स बना लेना जो भी रिक्वायर्ड है। मैं जाती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। बाय। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ, वो वॉक पे गई थी। वॉक पे? आई मीन इस वक्त? हाँ, वो ओवर ईटिंग की थी आज, तो सोचा वॉक पे चली जाऊं।
तो कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। माँ मुझे भी जबरदस्ती बहुत खाना खिलाया जाती है, तो कल से मैं भी तुम्हारे साथ वॉक पे चलने वाला हूँ। ओके? हाँ जरूर। नंदनी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओ गॉड, कितनी बातें हैं इसके पास, और लोगों को ऐसे ही लगता है कि ये कम बोलता है। हाँ बोलो सिड। पहले तुम अपनी आंखें मत करो। हाँ? क्लोज योर आईज। क्यों? आई मीन बंद करो ना प्लीज। हाँ करो ना। ओके एक मिनट। ये क्या है सर? इंटरनेशनल टूर के पैम्पलेट्स। चूज कर लो हम हनीमून। आई मीन ट्रिप के लिए इनमें से किसी एक जगह पे जाएंगे। हाँ वो मैं कल पढ़ के बताती हूँ। वो वैसे भी अभी बहुत नींद आ रही है। टेक योर टाइम, आराम से। ओके मैं कल तक वेट करता हूँ। देर मत करना। नहीं करूंगा सार्थक। वो बादाम किशमिश रख लिए ना सब? हाँ मां रख लिए। हाँ चलिए मुंह मीठा कर। और जीत गया। जीत के ही आऊंगा मां, बहुत हार मान ली, अब और नहीं। तो ठीक है ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इनफैक्ट आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे खुद को साबित करने का मौका जो मिल रहा है। वो कहते हैं ना कि जीतने का मजा तब आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे होते, और यहां भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरे हारने का इंतजार करने वाले लोग सिर्फ इंतजार ही करते रह जाएंगे, और मैं जीत जाऊंगा मां। लोगों का दिल भी और उनका प्यार भी। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आओ बैठो, बैठो ना, बैठो। अच्छा सुनो, ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और मैं तुम्हें एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि कल भी हमारी बात नहीं हो पाई थी ना। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं,